module 1 what is developmental disorder so if we need to understand what is developmental disorder we need to be referred to the dsm-5 and in dsm-5 uh, developmental disorders are referred as neurodevelopmental disorder why we call them as in developmental disorder because their onset has been take place before the school going age or their onset are in the early age of the life. So basically, in developmental disorder, we usually refer those psychological disorders, those neurodevelopmental disorders, which are usually occur in the children. So if the childrens are not achieving their developmental milestones, that means that child has a developmental delay. एंड यूजली यू सी दैट द पेरेंट्स हैज़ रिपोर्टेड वेरियस कम्प्लेन अराउंड दीज चिल्ड्रन्स फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सी माँ ये कम्प्लेंट करती हैं कि उनका बच्चा पढ़ नहीं पाता लफ्स पिक नहीं कर पाता उसको डिफरेंट किस्म के अल्फ़ाब्स की रिकग्नीशन रे, नहीं हो रही तो ये जो सारी चीज़ें हैं जब कोई भी मदर आपको आ कर रिपोर्ट करे तो ये इंडिकेट कर रही होती हैं कि उस बच्चे के अंदर डेवेलपमेंटल डिलेज हैं डेवलपमेंटल डिलेज का बेसिकली मतलब ये होता है कि दैट अ चाइल्ड हैज़ अ डिसफंक्शन इन अटेंशन इन परसप्शन इन लैंग्वेज मेमोरी प्रॉब्लम स्किल्स और सोशल इंटरेक्शन तो व्हाट ऑल दीज टर्म्स आर मेंट फॉर कि जो चाइल्ड है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट उतनी अप्रोप्रिएट नहीं हुई होगी डिसअप्रोप्रिएट एज में वो होगा इसी तरह वो लोगों के साथ उस तरह से सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा होगा विच इज़ द डिमांड ऑफ इज हर एज तो ये जब सारे डेफिसिट होते हैं तो बेसिकली ये डेफिसिट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द एग्जेकटिव फंक्शनिंग एग्जेकटिव फंक्शनिंग जिस वक्त डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से ये सारे डिलेज आते हैं एग्जैकटिव फंक्शनिंग बेसिकली है क्या दैट इज बेस्ड ऑन अवर वर्किंग मेमोरी जो कि हमें कैपेबल करती है डेली टास्क को एग्जीक्यूट करने में वेन ओवर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इज देन डेफिनेटली ओवर ऑल अदर थिंग्स गेट इफेक्टेड और ड्यू टू दैट थिंग जो इम्पेयरमेंट है वो आना शुरू हो जाती है और द चाइल्ड इज अनएबल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट द सोशल पर्सनल एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल लेवल व्हाट डज दैट मीन the द चाइल्ड इज़ to टू लुक आफ्टर or सेल्फ लाइक like, इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटा बच्चा है वो अपने आप को कम्प्लीट लुक आफ्टर करे इसका मतलब ये है कि जो उसके पर्सनल टास्क हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चा खुद कर सकता है वो अपनी एज अप्रोप्रिएट टास्क वो उस वक्त नहीं कर सकता जो सोशल इंटरेक्शन है उसका दूसरे लोगों के साथ वो उस ऐज अप्रोप्रिएट नहीं होता इसी तरह जो एकेडमिक टास्क होते हैं उसके वो एज अप्रोप्रिएट नहीं होते इसी तरह जो छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना है या कोई और चीज़ इस तरह के स्किल्स करना है वो वो नहीं कर पाता तो दैट्स मीन कि जब उसकी इन एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए और पेरेंट्स वर कंसर्न अबाउट दीज प्रॉब्लम्स तो दैट्स मीन कि उस बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिलेज हैं ये जो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं ये रेफर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को अब डिफरेंट टाइप ऑफ़ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो हम मॉड्यूल नंबर थ्री में पढ़ेंगे लेकिन उसको यहाँ बताना इस वक्त एक्सप्लेन करना स्लाइटली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कई एक कैटेगरीज़ हैं उसको हम एक ग्लोबल कैटेगरी में नहीं फिट इन कर सकते क्योंकि डिलेज डिफरेंट टाइप के होते हैं जिस टाइप का डिले होगा उस टाइप की कैटेगरी होगी और जिस टाइप अगर ग्लोबल डिले है तो डेफिनेटली वो ग्लोबल कैटेगरी में जाएगा अगर स्पेसिफिक डिले है तो वो स्पेसिफिक कैटेगरी में जाएगा अब ये सारा डेवलपमेंटल डिले जो है ये एग्जिबिट होता है क्योंकि माइलस्टोन्स जो हैं बच्चों के डिले होते हैं